हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज एक पानी के नीचे रंगोली बनाना सीखते हैं। तो पानी के नीचे रंगोली बनाने के लिए अब हम प्लेट में या कोई थाली में बना सकते हैं। तो जिसमें भी बनाना है उसमें आप सरसों तेल ले सकते हैं या नारियल तेल लगा सकते हैं। तो नारियल तेल बेस्ट होता है। जब नारियल तेल डाले उसमें ब्रश से फैला दिए चारों सभी जगह पे। अब वाइट कलर से एक गणपति के शेप ड्रा करना है सफ़ेद रंगोली से। इस प्रकार से ड्रा करना है। यहाँ पर एक ओम के डिज़ाइन बनाएंगे। थोड़ा सा ओम के टच आना चाहिए। फिर पीछे कुछ पत्तियाँ, यहाँ पर एक हाथ। चलिए अब बन गया हमारा। इसमें अभी कलर भरना चालू करेंगे। जब भी हम पानी के नीचे कलर करते हैं तो जहाँ तक हो सके अपने को सिंगल कलर में वो कलर भरना जरूरी होता है। क्योंकि जब हमने शेडिंग करते हैं तो शेडिंग क्या होता है, एक के ऊपर एक कलर आता है। तो जब हम दो परत में कलर डालते हैं और जब हम पानी डालते हैं तो ऊपर के परत निकालने के चांसेस रहता है। इसलिए जब भी पानी के नीचे अपने को रंगोली बनाना है या रंगोली के ऊपर पानी डालना है तब हम इतना ध्यान रखेंगे कि दो परत रंगोली ना हो, ज़्यादा एक ही परत हो, ताकि वो जो हमने ऑयल डाले, नारियल तेल डाले, वो चिपक के रहे या वो थोड़ा सोख ले रंगोली को, ताकि जो पानी डालेंगे तब भी वो पकड़ के रखेंगे। इस प्रकार अपने को रेड और ऑरेंज कलर से भरना है आँख और जो बॉडी, एक आँखें बनाना है ब्लैक कलर से। अब इनका जो नीचे का ड्रेस है उसमें हम ब्लू कलर देंगे और उनमें से एक डार्क ब्लू से एक लाइनिंग देंगे। पैर में थोड़ा पैड बनाएंगे, ठीक है। इधर जो सामने के भाग है, बाकी भाग को हम सफ़ेद रंगोली से भर देंगे। और इतना ध्यान रखना कि जब हम जो भी रंगोली यूज़ कर रहे हैं कि वो ज़्यादा डस्ट ना हो। क्या कोई कोई रंगोली एकदम पाउडर जैसा आता है, तो वो ज़्यादा डस्ट ना हो, थोड़ा दानेदार रंगोली हो। यदि हम पानी रंगोली के ऊपर पानी डालना है तो इतना ध्यान रखेंगे कि ज़्यादा डस्ट ना हो रंगोली थोड़ा दानेदार हो। यदि जैसे हम कोई संस्कार भारती के मोटे मोटे रंगोली होते हैं वो भी यदि हम यूज़ करें तो भी अच्छा है, क्योंकि वो उसमें कलर नहीं छोड़ता है और वो तैरता नहीं पानी के ऊपर ज़्यादा, वो नीचे ही रहेगा। हम यहाँ पर जो भी यूज़ कर रहा हूँ ये थोड़ा सा हल्का कलर है, ये थोड़ा सा एकदम बारीक है, तो इसमें क्या थोड़ा सा रंगोली ऊपर आने की चांसेस रहता है। फिर भी यदि ऑयल थोड़ा ज़्यादा रखेंगे तो वो क्या ऑयल खींच के रखेगा। इसलिए यदि कोई डस्ट भी हमारा रंगोली है और उससे यूज़ करना है तो जो ऑयल है, ऑयल की मात्रा थोड़ा ज़्यादा बढ़ा देंगे तो वो जो रंगोली उसको खींच के रखेगा ऑयल। यहाँ पर जो हमने वो एक व्हाइट कलर रंगोली से जो आउटलाइन कर रहा हूँ ये भी थोड़ा दानेदार है, क्योंकि इसमें न तो कलर है, एक मार्बल पाउडर है, तो इसको इससे आउटलाइन करेंगे तो आउटलाइन भी थोड़ा सफ़ेद दिखेगा और ये पानी में भी ऊपर नहीं आएगा इसका जो डस्ट। तो इस प्रकार एक सुंदर सा गणपति बना लिया हमने पानी के नीचे। अभी पानी डालने के लिए थोड़ा सा जगह छोड़े थे हमने, तो वो जगह पे ही पानी डालना है, क्योंकि हम कोई रंगोली के ऊपर पानी डालेंगे तो वो रंगोली वहाँ से हट जाएंगे या वहाँ से बिगड़ जाएगा। इसलिए हमने थोड़ा सा जगह छोड़ के रखे थे कि यहाँ पर पानी डालना है करके। तो जैसे अपने को पानी धीरे धीरे नहीं डालना, एक साथ ही डालना है, ताकि एक साथ ही पूरा रंगोली के ऊपर चले जाए पानी। एकदम धीरे धीरे डालेंगे तो वो कलर जल्दी निकल जाएगा रंगोली का। इसलिए जैसे भी रंगोली का पानी डालना तो फोर्स में डालना है। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए। यदि आपने मेरे वीडियो अपने चैनल को सब्सक्राइब किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।